के ग्राउंड रेट्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शैल अंदर था। 2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के समय, रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। ये कोई शैल अंदर था जो अभी भी फटा है, बेहद रिस्क है। इसराइल ने हिजबुल्ला के गढ़ में घुसकर किस तरह से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्ला के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है, ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूँ। इस वक्त दक्षिणी बेरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है और देखिए पूरा बेसमेंट। यहाँ पर 2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के समय, रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। कहा ये जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्ला के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी और इन मीटिंग्स में ही ये तय किया जाता था कि कैसे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना से लड़ना है। इसराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेट्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शैल अंदर था। ये कोई शैल अंदर था जो अभी भी फटा है, बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शैल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। हम एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएंगे। धमाका आपने सुना, मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्ला के गढ़ में घुसकर किस तरह से उनके बंकर को तबाह किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी बंकर में अभी थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ, ये हिजबुल्ला का, वो सब देखिए, ये उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और ये सब जैसे कैश मेमो कैश बुक्स होती हैं, यानी पूरा कोई ऑफिस था जहाँ पर इस चीज़ का हिसाब रखा जाता होगा। ये तमाम लिटरेचर और ये बुक्स उसी तरह की पड़ी हैं। लेकिन ख़ास बात क्या है, इस पूरे बंकर को निशाना बनाकर किस तरह से आग लगी हुई है, 3-4 घंटे हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर एयर स्ट्राइक के जरिए इसराइल ने एक बड़ा हमला किया है और इस हमले के दौरान देखिए पूरा बंकर जल रहा है और ये बेसमेंट तहस नहस हो गई है, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है और इस बिल्डिंग के जमींदोज होने के बाद ये आग अभी तक लगी हुई है। रात को जिस तरह से इसराइल स्ट्राइक करता है उसी तरह हिजबुल्ला के इस बड़े सेंटर पर स्ट्राइक किया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये हिजबुल्ला का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। मुझे नीचे बैठने के लिए इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नीचे की पूरी चीज़ें दिखाने के लिए इस बिल्डिंग को जहां स्ट्राइक किया गया वहां से ये तस्वीरें आ नहीं पा रही हैं, इसलिए हम ये चीज़ दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्ला का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। एक तरफ लेबनान के साउथ बॉर्डर पर कैसे लड़ना है, कैसे ग्राउंड रेड्स को रोकना है, ये हिजबुल्ला तय कर रहा है और वो इसराइल किस तरह से वहाँ उनको काउंटर कर रहा है, उनके एम्बुश से बच रहा है। और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्ला के गढ़, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके कमांडरों के ठिकानों को, उनके अड्डों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है, ये सबसे करीबी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक इधर पूरा व्यू दिखाते हैं रॉकेट अटैक के बाद जो ये मिसाइल मारी गई है उसके बाद आप आसपास का व्यू देखिए, आपको डिस्ट्रक्शन नज़र आ जाएगी। बिल्डिंगें धू धू करके जल रही हैं और इन बिल्डिंगों के आसपास जितने भी अपार्टमेंट हैं ये सारे पहले से ही एवैक्यूएट करवा लिए गए हैं क्योंकि ये दाहिद इलाका हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है, उनके सपोर्टर्स यहाँ रहते हैं, यहाँ उनके लीडर्स कमांडर्स की मीटिंग होती हैं, इसीलिए इसराइल ने चुन चुन कर इनको ठिकाना बनाने का फैसला किया है। और ये एक बड़ी तस्वीर जिसमें हिजबुल्ला का कमांडर हाशिम सैफुद्दीन मारा गया है और हाशिम के मारे जाने के बाद अब हिजबुल्ला बहुत बड़े तनाव में है। हिजबुल्ला के गढ़ में घुसकर इसराइल ने एयर स्ट्राइक का सिलसिला तेज कर दिया है। इस वक्त मैं दक्षिणी बेरूत के उस इलाके में हूँ जो हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है और ये एयर स्ट्राइक अभी अर्ली मॉर्निंग किया गया है, चंद मिनट पहले का ये एयर स्ट्राइक है। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्ला का एरिया है और यहाँ पर हिजबुल्ला सपोर्टर्स के होने की खबर थी, उसके बाद इसराइल का ये एयर स्ट्राइक देखिए इस बिल्डिंग को भी तहस नहस कर दिया है। हाशिम पर हमला करने के बाद, हाशिम को बंकर के अंदर टारगेट बनाए जाने के बाद किस तरह से, ये देखिए आपको तस्वीरें और नज़दीक से दिखाते हैं किस तरह से टारगेट किया गया है। ये देखिए पूरी बिल्डिंग पूरी तहस नहस कर दी गई है। ABP न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज सुबह की, जहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी रुकिए, यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका और हो सकता है। अभी एयर स्ट्राइक हुआ है ये और इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है। इसराइल का ये हमला था और दक्षिणी बेरूत के इलाके में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, इसलिए हिजबुल्ला के उन तमाम सपोर्टर्स के इलाके में इसराइल के एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। ये कोई तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ, आप ये हैरान होंगे कि ये कोई
वो इलाका नहीं है जहाँ पर वॉर चल रही है या दक्षिण लेबनान का, वो बॉर्डर का इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। ये वो इलाका है जहाँ पर बेरूत यानी लेबनान की राजधानी है। और देखिए लेबनान की राजधानी के उन तमाम इलाकों में किस तरह ये मल्टी स्टोरी जो अपार्टमेंट बने हुए हैं, इन पर लगातार इसराइल के एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। हिजबुल्ला के खात्मे के लिए कैसे दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है, और दोहरी रणनीति क्या होती है, बॉर्डर पर ग्राउंड रेड्स के जरिए कैसे हिजबुल्ला से निपटना है ये तय कर रहे हैं IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग, और दूसरी तरफ कैसे बेरूत यानी जहां से पूरी प्लानिंग होती है वहां पे रैप अप करना है। ये बिल्डिंग देखिए किस तरह से चंद मिनट पहले ही जमींदोज कर दी गई है, पूरी बिल्डिंग को इसको देखिए किस तरह से गिराया गया है। यहाँ पर जो सारी प्लानिंग होती है, जो सारे हिजबुल्ला के कमांडर्स जहाँ जहाँ रहते हैं और उनकी दूसरी जो सेकंड लेयर है, उस सेकंड लेयर को किस तरह से नेस्तनाबूद करना है, हिजबुल्ला के कमर को कैसे तोड़ना है। इसराइल के ये एयर स्ट्राइक मुझे वही याद दिलाते हैं जब मैं इसराइल के गाज़ा युद्ध को, गाज़ा पट्टी के उस युद्ध को देखने गया था, उसी तरह की ये डिस्ट्रक्शन अब नज़र आ रहा है बेरूत के आसपास के इन्हीं इलाकों में। देखिए अभी भी नीचे आवाज़ें आ रही हैं, ये सुन पाएंगे आप, ये वो आवाज़ें हैं जो आवाज़ें इस एयर स्ट्राइक के बाद लगातार इन बिल्डिंगों में सुनी जा रही हैं। पूरा इलाका खाली है, एवैक्यूएट कर लिया गया है, इसीलिए इस पूरे इलाके से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरा डिस्ट्रक्शन देखिए आसपास का, ये पूरा डिस्ट्रक्शन आसपास का देखिए। कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? बूम नॉट हियर हियर ऑन कम। कहा जा रहा है कि अभी वहां पर और बम गिरे हुए हैं, वो फट सकते हैं, यही बता रहे थे कि जमीन पर और बम हैं और इन बम में धमाके हो सकते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग गिरने के बाद कैसे पूरे के पूरे इलाके को तहस नहस करके रख दिया है। ये तस्वीर राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में लगातार देखने को मिल रही है। हाशिम पर हमले के बाद ये एक बार फिर इसराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है, और अभी भी मैं ड्रोन सुन रहा हूँ, ड्रोन की आवाज़ यहाँ लगातार आती रहती है। खास बात यह है कि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी छत पर प्रेस लिखना पड़ता है। मैंने पूछा ड्राइवर को कि ऐसा छत पर क्यों लिखा जाता है, वो कहता है कि यहाँ इतने ड्रोन घूमते हैं और गाड़ियों को जिस तरह से स्ट्राइक किया जाता है उस स्ट्राइक से बचने के लिए कि ये प्रेस की गाड़ियाँ, इसलिए यहाँ छत पर लिखा जाता है। UNO की गाड़ियों को भी इसी तरह से लिखा जाता है। लेकिन ये तस्वीर आपने देखी जो इजराइल के हमले के बाद एक बार फिर हिजबुल्ला के गढ़ में तहस नहस कर दिया गया है, उनके हेडक्वार्टर्स को, उनके अड्डों को, उनके कमांडर्स के ठिकानों को कैसे नष्ट किया जा रहा है, इसकी ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, ABP न्यूज, दक्षिण बेरूत, लेबनान। व्हाट डज हरियाणा'स यूथ वांट? व्हाट्स द पॉलिटिकल मूड ऑफ द रीजन? विल दीस असेंबली इलेक्शंस correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.